हाय गाइस, तो BMS के संस्कृत के पेपर वन का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें जो सब टॉपिक्स है वो है महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और कुछ संज्ञा है उनके बारे में मैं अभी बताऊंगी शॉर्ट में। तो जो महेश्वर सूत्र है इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि शिव जी की डमरू से जब वो नृत्य कर रहे थे तब जो आवाज़ें निकली है वो पाणिनि जी ने रिकॉर्ड करी थी और इस तरह से उसको अरेंज किया था। इसको महेश्वर सूत्र बोलते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन है अयुन रुलरुक एवंग अयोच हयवरट लन यमगणनम झभय घड़दश जब घड़दश खप छठ थच दृटव कपय शसर हल। अब इसका हम सोचेंगे कि संस्कृत में काम क्या है, ये हम सोचते हैं। तो इसका काम क्या है कि हम कलेक्टिवली जब कोई चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे संधि में हम बहुत बार देखते हैं कि प्रत्याहार टू प्रत्याहार चेंज होता है, तो प्रत्याहार हम निकालते कैसे हैं, महेश्वर सूत्र के थ्रू निकालते हैं। जैसे अच प्रत्याहार बोला तो मैं क्या बोलूँगी, जो मेरा अ है जो मैंने यहाँ ढूंढा है और च है जो मैंने यहाँ ढूंढा है, इसके बीच में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो है अच प्रत्याहार, एक कलेक्टिव ग्रुप बनाया है इसका। ओके, तो ये था महेश्वर सूत्र। अब महेश्वर सूत्र के एंड में जो वर्ड्स होते हैं, ये न है, ये क है, ये ङ है, ये च है, ये ट है, जो एंड के वर्ड्स है हर लाइन के, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। देखिए जैसे ये जो भी एंडिंग में जो भी वर्ड्स है ना, न म, ये जो भी वर्ड्स है सबके जो एंड का वर्ड है उनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है मतलब क्या है कि आगे हम देखेंगे जो सूत्र है उसमें उसका संज्ञा में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सूत्र है हल्यंतम, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, अद्य उच्चारण को उपदेश कहते हैं। ओके, अब इसके आगे इसका एक और सूत्र आता है अदर्शनम लोप, मतलब न दिखाई देना वाला लोप होता है और जो एंडिंग में है जो इत संज्ञा प्राप्त वर्ण है उनका लोप हो जाता है। मतलब हम जब यूज़ करते हैं तब न का लोप हो जाएंगे, मतलब न यूज़ नहीं करेंगे, क नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एंड का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करेंगे। इसे हमने अच देखा था, तो अ से च में हम जब प्रत्याहार गिनेंगे तो हम अ ई उ न को नहीं गिनेंगे, रूल रू क को नहीं, ए ओ इसको नहीं, ए ओ फिर च आ गया। ओके, तो ये है अच प्रत्याहार, ऐसे ही सारे प्रत्याहार निकलते हैं। तो जो तस्य लोप है वो यही बताता है कि जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। ओके, फिर आदि रंती है ना संहिता, मतलब इत, ये जो अभी मैंने बताया कि अ से च के बीच में जितने भी आ गए वो हमारे प्रत्याहार हो गए, ये इस सूत्र में बताया गया है। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो सारे मैं सूत्र एक्सप्लेन कर दूंगी फर्स्ट टॉपिक के। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकार जो एकमात्रिक, उकार जो द्विमात्रिक, उकार जो त्रिमात्रिक, इन तीनों उकारों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय यदि अच के उच्चारण में लगाते हैं तो वह क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो जाता है। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जब हम उकार का उच्चारण एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक में करते हैं उतना समय अगर हम अच बोलने में लगाए तो वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो जाते हैं। ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। ओके, फिर उच्चैरु उदात्त निच्चैरु अनुदात्त समाहार स्वरित और मुखानुनासिको वचने अनुनासिक, ये भी चार इंपॉर्टेंट है। उच्चैरु उदात्त का है तालु आदि स्थानों के ऊपर वाले भाग से जो स्वर बनते हैं उनको उदात्त बोलते हैं, जो नीचे वाले भाग से बनते हैं उसको अनुदात्त बोलते हैं, और जो सम अवस्था में बनते हैं मध्य में, मध्य भाग से बनते हैं उसको स्वरित बोलते हैं। और ये श्लोक का मीनिंग ये है, मुख के साथ नासिका के साथ जो बोले जा रहे हैं उनको अनुनासिक बोलते हैं। मतलब हम वर्णमाला में जो एंडिंग की लाइन पढ़ते हैं सबकी एंडिंग की जो लाइन होती है वो अनुनासिक होती है, तो उनके उच्चारण कैसे हो रहे हैं, मुख के साथ नासिका के साथ हो रहे हैं। ओके, उसके बाद उच्चारण स्थान, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो उच्चारण स्थान है इस पर MCQ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रशा नाम मूर्धा, ऋतु लशा नाम दंता, उपुपधमनिया नाम ओष्ठा, यमगण नाम नासिका च, एद एतो कंठ तालु, ओदो ओतो कंठ ओष्ठ, जिबकारस्य दंत ओष्ठम, जिभा मूल्यस्य जिभा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, अकार तथा क वर्ग, अ क हु और हकार तथा विसर्ग, अकुह विसर्जनीय, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अकार, क वर्ग, हकार और सॉरी
अकार, क वर्ग और हकार इनका कंठ से होता है। ईचो यशा नाम तालु का क्या है? ईकार, च वर्ग और यकार और शकार इनका कहाँ से होता है? तालु से होता है। रुटु रशा नाम मूर्धा, मतलब रुकार, ट वर्ग, रकार और श वर्ग का कहाँ से उच्चारण होता है? मूर्धा से होता है। रुटु लशा नाम दंता का मतलब क्या है? रुकार, त वर्ग, लकार और स वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। उसके बाद में उपधमनिया नाम ओष्ट, मतलब उकार, प वर्ग और उपधमनीय उच्चारण स्थान ओष्ट है। यमगण नाम नासिका च, यम ग न न का उच्चारण स्थान नासिका है। उसके बाद में एद ए तो कंठ तालु, ओ तो कंठ ओष्ट। एकार एकार का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओकार और ओकार का कंठ और ओष्ट है। उसके बाद में वकारस्य दंत ओष्टम में वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ट है। जिभा मूल्य से जिभा मूलम का मतलब है जिभा मूल्य का उच्चारण स्थान जिभा मूल है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ये MCQ के लिए आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न इनके कुछ टेबल्स कर लेने हैं। जो प्रयत्न है वो दो टाइप के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ओके, इससे क्वेश्चन क्या आता है कि ये 5 टाइप के हैं और ये 11 टाइप के हैं। तो 5 टाइप में इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद वृत्त, विवृत्त और संवृत्त। इनका मीनिंग क्या है? स्पृष्ट मतलब जब जिभा से उच्चारण कर रहे तब टच होना, ईषद स्पृष्ट मतलब थोड़ा सा टच होना, विवृत्त मतलब कंठ का खुलना और ईषद विवृत्त मतलब कंठ का थोड़ा सा खुलना। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद संवृत, संवृत का मतलब होता है जो ह्रस्व अ के प्रयोग में होते हैं। तो स्पृष्ट में स्पर्श वर्ण आते हैं, स्पर्श वर्ण मतलब क से म तक के 25 वर्ण जो है। अब इसमें कैसा है, जो हमारी वर्ण वाला है, वर्णमाला है, उसमें स्वर और व्यंजन का क्लासिफिकेशन तो आपको पता है कि 13 और 33 होते हैं। अब इसमें स्वर को भी सरल स्वर और संयुक्त स्वर में डिवाइड किया गया है। सरल स्वर में अ ई ऊ रु रु और उनकी दीर्घ मात्रा आते हैं और संयुक्त में ए ओ ए ओ आते हैं। अब जो व्यंजन है उनका डिवीजन वर्गीय, अंतस्थ और उष्म है। वर्गीय में ये जो 25 वर्ग है, अंतस्थ में य वर अल और उष्म में शश सह। ओके, सो य वर अल को अगर हम माहेश्वर सूत्र में लोकेट करें तो य से न के बीच में आते हैं इसलिए उनको यन प्रत्याहार बोलते हैं, और श श स ह को लोकेट करें तो वो श से ल के बीच में आते हैं इसलिए उनको शल प्रत्याहार बोलते हैं, और ये अ से ओ तक के जो भी है वो अच में आते हैं तो इनको अच प्रत्याहार बोलते हैं। स्पृष्ट स्पर्श का क से म तक के, ईषद स्पृष्ट अंतस्थ का यन प्रत्याहार, ईषद वृत्त उष्ट उष्म शल तक के शल प्रत्याहार, विवृत स्वर अच प्रत्याहार और संवृत ह्रस्व। इसी से आपके सारे MCQ आएंगे, ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाह्य प्रयत्न में 11 है जिसमें से विवृत, अब इसको याद कैसे करना है, ऐसे याद कीजिए, विवार संवार श्वास नाद घोष आघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वर सीक्वेंस। विवार ऊपर संवार नीचे, श्वास नाद श्वास ऊपर नाद नीचे, फिर घोष आघोष घोष नीचे आघोष ऊपर, उसके बाद में अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वर। ठीक है, तो विवार श्वास और आघोष में खर प्रत्याहार आते, संवार नाद घोष में हर्ष, अल्पप्राण में 1 3 5 और यन प्रत्याहार, और महाप्राण में 2 4 और शल। इनको आप लर्न कर लेंगे तो आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे। और जो उदात्त अनुदात्त और स्वर थे इसमें अच प्रत्याहार आते हैं। ठीक है, अब जो आगे की एक्सप्लेनेशन थे कि विवार क्या होता है, जब बोलते समय मुख खुलता है तो उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको विवार बोलते हैं। संवार मतलब मुख का थोड़ा बहुत खुलना, श्वास मतलब बोलते समय श्वास आना, आघोष और घोष मतलब जब वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे तब गूंज होना, अल्पप्राण मतलब थोड़ी सी वायु यूज होना और महाप्राण मतलब बहुत सारी वायु यूज होना। तो ये थे, और इसमें और कुछ है, संहिता का सूत्र आपके सिलेबस में दिया है, पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों के अत्यधिक संयुक्त होने को संहिता संज्ञा कहते हैं। ओके, हल्योन्तर संयोग, स्वरों के व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। ओके, और फिर उसके बाद में आपको सुप और तिंग का टेबल लर्न करना जरूरी है। इसका टेबल सु हो जस आम और चस टा भी हम्भिस ये भी हम्भिस घसी भी हम्भिस गस उस आम नी ओ सुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। और तिप्तस जी सिप्तस्त मिपस मस
तो आतम झ थास आतम ध्वम इट वही मही, ये टेबल्स याद होना ज़रूरी है। इसी इसके साथ आपका सिलेबस का फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।